नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन डिभाव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गाइनिक सीवीपी कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो गाइनिक सीवीपी कैप्सूल मार्केट में आती है, यूएसपी कंपनी की आती है, 10 गोली का कैप्सूल का पैक रहता है। ये जो 10 गोली का कैप्सूल का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 33 रुपीज़ यानी 33 रुपये। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके यूजेस के बारे में देखें क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो गाइने सीवीपी कैप्सूल मार्केट में आती है, इट इज़ यूजफुल इन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर इसका यूज किया जा सकता है सेवर ब्लड डिसऑर्डर विथ प्रोथ्रोम्बिन डिफिशियंसी, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। दोस्तों अगर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, वुंड हीलिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, एनेमिया में भी इसको यूज किया जाता है। हीलिंग द वुंड, ब्लड सर्कुलेशन, लो ब्लड कैल्शियम लेवल, सेल डैमेज एंड अदर कंडीशन। तो आपको जो भी तकलीफ है, एनीमिया की रहें दो, ब्लड सेल प्रोडक्शन की रहें दो, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी इसके अंदर है, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट डाले हैं देखेंगे, कंपनी ने क्या क्या कंटेंट इसके अंदर डाले है। तो जो गाइनिक सीवीपी कैप्सूल मार्केट में आती है, इसके अंदर साइट्रस बायोफ्लेवर कंपाउंड, एस्कॉर्बिक एसिड, मेनाडोइन, फेरस ग्लूकोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। इसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, मेनाडायोन है, साइट्रस बायोफ्लेवर कंपाउंड विद विटामिन सी कैप्सूल। तो इसके अंदर विटामिन सी भी डाला है। अगर आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो उसके लिए भी यह दवा चलती है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है, स्टमच अपसेट की शिकायत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नौसिया एंड वोमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको हेडेक जैसी तकलीफ हो सकती है, स्टमच क्रैम भी आ सकता है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है, कैसा यूज़ करना है। जनरली इसको 2 टाइम इन अ डे, दिन में से 2 बार आप इसको ले सकते हैं। डोसेस के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।